वेलकम वेलकम ऑल माय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? रेसिपी चॉकलेट का खीर। चॉकलेट का खीर बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेगा? पहले लगेगा ड्राई फ्रूट्स चॉकलेट, फिर लगेगा गाजर और घी लगेगा, तेजपत्ती लगेगा और इलायची का पाउडर लगेगा और शक्कर लगेगा। मैं कैसे बना रही हूँ, पहले घी डालना है। घी डालने के बाद मेरे को तेजपत्ता देना है, उसके बाद देखिए मेरा डेकोरेशन कैसा हुआ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, देखिए पहले मैं गाजर को ग्रेट करके रखी थी, उसी को लेना है। तो फिर अच्छे से गाजर फ्राई हो जाएगा, फिर उसके बाद इसमें दूध डालना है। पैकेट के हिसाब से 3 पैकेट दूध लगेगा, उसके बाद दूध डालेंगे। ठीक है, इसके बाद एक बता रही हूँ, फिर दूध डालना है, साथ में रहिए। इसमें दूध डाल दी हूँ, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, फिर देखिए साथ में रहिएगा। हेलो दोस्तों, देखिए चॉकलेट का खीर बन रहा है। तो दूध पैकेट में क्या करिएगा, वो दूध को कढ़ाई में अच्छा से गर्म करके, गर्म करेंगे ना तो घना भी हो जाएगा, खीर खीर जैसे बनेगा। उसके बाद गाजर को फ्राई करके उसमें डाल देंगे। ठीक, जल्दी भी बन जाएगा, घिसा हुआ गाजर ज़्यादा देर टाइम नहीं लगेगा। चम्मच घी डालना है, मीठा पसंद करते हैं कर देंगे। मैं थोड़ा सा शक्कर दे रही हूँ, घी को जितना क्वांटिटी बनेगा उसी हिसाब से आप लोग मीठा डालिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं ड्राई फ्रूट्स चॉकलेट का जो चूरा है ना उसको डालूंगी। छोटा छोटा काट कर रखी हूँ, देखो देना है मेरे को। देखिए दोस्तों, चॉकलेट का खीर बन गया है। फिर उसके बाद इलायची पाउडर डालना है, इसमें किसी को पसंद ड्राई फ्रूट्स देने के लिए वो भी दे सकते हैं। देखिए राबड़ी जैसा बन गया, कलर भी अच्छा आया। इसको पूरी के साथ, पराठा के साथ, रोटी के साथ आप लोग खाइए, बहुत मज़ेदार रेसिपी। प्लीज़ साथ में रहेंगे। देखिए दोस्तों, मेरा चॉकलेट का खीर बन गया है। आप लोग अच्छे से रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे,
थैंक यू।